दोस्तों जब फैमिली की बात हो तो हम बहुत ज्यादा सतर्क हो जाते हैं क्योंकि फैमिली का सेफ्टी हमारे ऊपर डिपेंड होता है। दोस्तों आजकल के दौर में चोरी चपाटी मर्डर होना ये बहुत ज्यादा आम बात हो गई है, इसलिए दोस्तों हम सबको डिफेंसिव वेपन्स हमारे साथ रखना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे एक 100% लीगल प्रूफ गन के बारे में जिसको आप अपने साथ रख सकते हैं, जिसको आप ऑनलाइन परचेज करके यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इसके बारे में जान लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार, आप देख रहे हैं I9 टेक्नोलॉजी। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को आगे देखने से पहले कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी जिंदगी में ऐसा कौन है जिसके लिए आप गन परचेज करना चाहते हैं। आपको जब लगे कि आप खतरे में हैं तो तब दोस्तों आप इस गन को यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका नाम है टेजर पल्स गन। आयरन मेटल मेडेट ये ट्रेजर गन 15 फुट की दूरी तक बॉडी को टारगेट कर सकता है। इसमें यूज किए जाने वाला हाई पावर टारगेटिंग लेजर सिस्टम आपको फाइंड आउट करने के लिए और शूट आउट करने के लिए बहुत मदद करेगा। और तो और दोस्तों आप अगर अंधेरे में फंस गए हैं, अंधेरे में आपको अगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो इस गन में यूज किए जाने वाला फ्लैश लाइट सिस्टम आपको अंधेरे में अपने एनिमी को फाइंड आउट एंड शूट आउट करने के लिए बहुत ज्यादा मदद करता है। दोस्तों जब हम शूट करते हैं तो इस गन से निकलने वाला 2 कॉपर लेड बॉडी के शरीर में घुस जाता है और दोस्तों विकलांग बना देने वाला करंट उसके बॉडी में छोड़ देता है और इस बीच आपको वहां से एस्केप करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है। अभी दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हम ऑनलाइन ऐसे गन परचेज करें जिससे एनिमी को हम पूरा मार दे, तो दोस्तों ये बिल्कुल इलीगल है। आप मार किसी को नहीं सकते, लेकिन दोस्तों आप कुछ समय के लिए उसको बेहोश कर सकते हैं, उसको पैरालाइज कर सकते हैं, जिसके लिए आप वहां से भाग सकते हैं। ये आप कर सकते हैं दोस्तों, ये आप करना चाहते हैं तो इसके लिए ये गन है। और आप अगर बिल्कुल मार देना चाहते हैं तो ये इलीगल है, ये बिल्कुल मत कीजिएगा। मेरे ख्याल से आप पुलिस स्टेशन जाना चाहिए अगर ऐसा बड़ा सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो। आपको वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपका राय मैं जानना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।